रहा हूँ, जब जजमेंट किसी चीज़ का जजमेंट अगर आने, अगर कोई इंसान सामने आता है उसके बाद आपके रहने के बाद समझ में आता है कि आदमी सुधरा है कि नहीं सुधरा है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कैसे आदिल को मौका दूँ? आप लोगों को आज अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, वो लड़की ने खुद कहा उसे आई लव यू कह रहा है, आपने पूरा सुनिए, उसमें वो कहा कि मैं अक्टूबर नवंबर मतलब 2023 में राग मुझे छोड़ के वो उससे शादी करेगा। उसने ये बोला कि 6 महीना रुको, देखो मैं कितनी बड़ी फिल्म राखी बना रही है, राखी जी कैमरा लुक, राखी बना रही है इतनी बड़ी फिल्म, मैं इतना पैसे कमाने वाला हूँ। वो लड़की को, जो ईरानी लड़की को दुबई में घर लेके देने वाला है और उसको बीवी बनाने वाला है, उसको ये नहीं बताया कि वो मेरे साथ ऑलरेडी शादी कर चुका है। ईरानी लड़की को वो बेवकूफ़ बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तो बीवी हूँ, वो पति चोर को बेवकूफ़ बनाया, ऐसी इतनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया आदिल ने, कितनी लड़कियों को, और ऑलरेडी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनके माँ बाप ने की थी, कितना सुनेंगे रोज और सुनने में कितनी बार मैं कहूँ, उसने पैसे निकाल लिए हैं इसके बारे में, तो हमें संक्षेप में बताइए, हम मीडिया कर्मी को क्या, वो आप देखिए वो कारें सब खरीदी है, कितनी गाड़ियां थी मुझे नहीं कुछ पता है, आप देख लीजिए उसमें सब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अभी जो आदिल की गाड़ी आपके पास है, जो आदिल की गाड़ी है, तो ये कैसे आपके पास है? वो छोड़ के गए थे, आदिल की गाड़ी नहीं है, राखी जी की, मगर इसमें के ए लिखा हुआ है, कर्नाटका की गाड़ी, कर्नाटका की गाड़ी है। तो अगर वो आप उसमें सुनने में आया कि आपने पैसे दिए थे, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां, तो ये गाड़ी अभी मैं चलवा रही हूँ ना, क्योंकि मेरे घर, वो मेरे घर में नीचे छोड़ के गए, मतलब तो हाँ गाड़ी में चला रही हूँ ना। ओके, आप बता सकेंगे? और मैं नहीं दूंगी मैं वो गाड़ी अभी उसको, मैं पुलिस को बोलूँगी ये मेरे पैसों की गाड़ी है, मैं चलाऊँगी इसको, मैं ऑटो में घूमूँ और वो मेरे पैसों से अय्याशी करे, मैं ऑटो में घूमूँ ये गाड़ी को अभी मैं चलाऊँगी। आगे आपके एक्शन क्या होंगे उनके खिलाफ? आप मिल रहना भी नहीं चाहती हैं, आप छोड़ना भी नहीं, आप पागल है क्या? नहीं। आप पागल है क्या? मैं शौहर है वो मेरा, आप आदमी उसे कुछ भी बकवास करोगे बोलोगे, एक औरत घर बसाती है, निकाह करती है, लॉयल रहती है, उसको माफ करती है हर जुर्म पर, और वो गलत करता है, मारता है, लड़कियों के साथ अफेयर करता है, आपके पैसे लूट लेता है, राखी जी पानी पिए आप प्लीज, यहाँ से हट जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, सब वही छापन डालो तू किधर की है, अरे क्या मान वो लड़की के ऑडियो वीडियो आ जाए, खुदा मुझ पर रहम करो, कोई लेकर गई है, हे खुदा मुझ पर रहम करो, कोई आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं इनके ऊपर जो कि मैसूर पुलिस की तरफ लगाई गई है, वो लड़की के सारे आरोप सही है, क्योंकि वो लड़की के सारे कॉन्वर्सेशन आप लोगों को भेजे हैं मैंने, वो लड़की ने भेजे हैं मुझे, उसको मारने को आया था उनके, जब उसने मुझे भेजे तो वो लड़की की रोने की आवाज़ आपने सुनी है, वो भी मैंने ऑडियो भेजे है, उसको भी लड़के भेजे थे मारने के लिए, धमकी दिया था वो लड़की ने अपने लव, जो शादी के बाद भी उन्होंने वो लड़की से अफेयर रखा, उसको निकाह का वादा किया ईरानी लड़की से, एक तरफ ईरानी लड़की से वादा किया निकाह का, एक तरफ ये जो लड़की है जो यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, पति चोर, उसके साथ, क्योंकि किसी का नाम लेके मैं पब्लिसिटी उसको नहीं देना चाह रही, उसको तो वो पब्लिसिटी ही चाहिए, सब लड़कियां पब्लिसिटी, ये लड़की अपना वीडियो रिलीज कर दी पब्लिसिटी के लिए, मेरे पति को इस्तेमाल किया, मेरा घर तुड़वा दिया,
रस्ते पे ला दिया राखी सावंत को, इमोशनली मेंटली माँ चली गई मेरी। तुम्हारे लिए बस साथ दे देते हैं राखी जी। जो ये वीडियो आ रहे हैं सारे सामने आई है, जितनी भी ऑडियो क्लिप सामने आई है, उसमें वो बार बार दावा कर रहे हैं कि रानी लड़की से कि मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आपके साथ आ जाऊंगा। आप फिर भी उनके लिए इतना डेस्परेट हो, इतना मतलब आप उनके डेस्परेट नहीं हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसी इतनी स्ट्रांग लड़की को कैसे ये धोखा दे सकता है, क्यों मेरी जिंदगी बिगाड़ी आदिल। निकाह जैसा पवित्र चीज इस्लाम कबूल करना, इतनी पवित्र चीज है मेरे साथ क्यों कही, जब आपको मेरे साथ घर ही नहीं बसाना था। क्या बोल रहा, मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं? आपने जब से इस्लाम कबूल किया है आप उसके सभी चीजों को निभा रही हैं? मैं सब निभा रही हूँ, नमाज पढ़ना, वजू करना, 5 टाइम की नमाज, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें तब अपनाऊंगा जब तुम नमाज पढ़ोगी, एकदम मुस्लिम हो जाओगी। मैंने कहा मैं तो ठीक है ना, मैं आपके हिसाब से आपके प्यार के लिए डेफिनेटली मैं नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है, उससे अच्छा जिंदगी अच्छी बेहतर ही होती है, रास्ते क्लीन होते हैं आपके जब आप खुदा से दुआ मांगते हैं। तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो फिर भी मैं आदर को क्यों नहीं समझ गया, मारने को दिल करता है, क्यों यकीन किया आदिल पे, क्यों प्यार किया, क्यों लॉयल बीवी रही उसकी मैं, कहा जाऊं, कितने दाग लग गए उस पर। आप बहुत ही भोली हैं, आप लास्ट टाइम भी आपने रितेश जी के साथ में जब आपने किया उन्होंने भी आपके साथ ऐसा सलूक किया, उसके बाद रितेश ने उतना ठीक है, उसने गुनाह बहुत किया था बट उसने इतना नहीं सताया, बट वो ऑन द स्पॉट हुआ तो छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन राखी जी अभी आप मैसूर पुलिस से अभी उनको लेके गए तो क्या कहने, मैं कल सुबह जा रही हूँ मैसूर, टिकट आ गई है मेरी, मैं जाके पुलिस स्टेशन में मिलूंगी और वो लड़की से मिलना चाहूँगी, मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। आदिल हमेशा उसको कहते थे कि राखी को गाली दे, मैसेज पढ़िए बीच हॉर, कहते यू अब्यूज हर, और मुझे कहते कि वो तुमको अब्यूज़ कर रही हो तुम मुझे क्यों बोल रही हो, मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आपके वकील के साथ जा रहे तो नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ, शायद शर्लिन और मैं जाएंगे, शायद वाहिद भाई, शर्लिन और मैं जाएंगे, नहीं वकील नहीं रहेंगे। एंड तो वो लड़की ने मुझे बताया कि राखी मैम आई एम इनोसेंट, मुझे वीज़ा देकर यहाँ बुलाया मुझे, नो डाउट उसने थोड़ी मेरी फीस भरी, घर का रेंट भरा, बट वो मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती चीज़ें करता था, धारा 376 लगी है। तो राखी मैन उसने मुझे शादी का वादा किया था बट उसने आपसे शादी कर ली, तो उसने मुझे बताया था राखी मैम आप उसे, मैंने उस लड़की को बताया मेरी तो शादी हो गई उसने, और ये उसको अल्लाह की कसम खाता था कि अल्लाह की कसम आई डिडंट मैरी टू, उसमें देखिए मैसेज है कि आई डिडंट मैरी टू राखी आई यू स्टूपिड, देखिए सारे मैसेज है। वो लड़की ने आज मुझे सारे मैसेज दिखाए। क्या मैसूर पुलिस की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है, जैसे आपके कुछ उनके माँ बाप की गलती है, जब उनके माँ बाप उनकी बहन ये सब जानते थे तो उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बोला उनको कि राखी सावंत बहुत पॉपुलर हस्ती है बॉलीवुड की, उसके साथ मत, उसके साथ गुनाह करो, या उसको एक हिंदू लड़की को मत इस्लाम कबूल कराओ, प्यार में जबर मतलब ये इन सब चीज़ों में, और उसके साथ गुनाह मत करो अगर आप निभा नहीं सकते हो तो, क्योंकि अगर आप निभा सकते हो तो आप शादी करो, निकाह करो। आपकी जी ये बहुत बट इस्तेमाल किया मुझे, मैं उन्हें मेरा दिल और मैं अपने आप को पूछती हूँ, धिक्कारती हूँ अपने आप को कि क्यों मैं उसे प्यार करती हूँ, प्यार करने लायक